बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में एक लड़की के साथ कई युवक अश्लील डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए वायरल किया जा रहा है कि ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं। इसके बाद व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक लोग धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई को लेकर तरह तरह के कमेंट करने लगे हैं। वीडियो इतना वायरल हुआ कि बागेश्वर बाबा के भक्तों तक जा पहुंचा। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी निशांत नायक ने छतरपुर जिले के बमीठा थाना में ये शिकायत दर्ज कराई कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो कुछ वायरल हुआ था जिसमें फरियादी जो है विनोद तना कहता है यार उन्होंने आके फरियाद कराई है कि हमारी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। गंभीर मैटर था और इसमें हमने इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है जो बीएनएफ की नई सेक्शन 353 के तहत, और इसमें यूआरएल नंबर और हमें मिल गया है। हमारी साइबर की मदद से लगी हुई है। वो लोग जो फॉरवर्ड किए थे उनको हम बुला सकते हैं, मुझे राउंड अप करके पूछताछ कर रहे हैं। सर किसने एफआईआर कराई? पहचान नहीं सकी सर कि किसने ये बात इसमें अभी क्लियर नहीं हो पाया। शायद उनके बुजुर्ग के नाम से वीडियो वायरल किया गया था, तो बताया गया था कि इसमें आपत्तिजनक चीज़ें थी, इसको लेकर के हमने उनकी समस्या ली। सर आवेदक करता कौन है? आवेदक कर जो कंप्लेनेंट है इसमें वह निशान नायक है जो कि वहीं के रहने वाले हैं बागेश्वर धाम के। किसी की पहचान हुई आरोपी की? अभी बहुत क्लियर नहीं है। हमने यूआरएल नंबर से इसमें डिटेल ले रहे हैं साइबर से, और ग्रुप में कुछ लोग जो शेयर किए थे उनसे भी कुछ सस्पेक्ट हो अभी हम लोगों ने अगर अच्छा मिली है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे साक्ष्य आएंगे और जो भी तथ्य हैं उस पे करेंगे। मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस बात का पता लगाने में लग गई है कि पहली बार ये वीडियो किसने वायरल किया था, ताकि कड़ी से कड़ी मिला सके और असल अपराधी को पकड़ा जा सके।